और सबसे बढ़कर फरीजा था सऊदी अरब का, मगर वो तो यहूद से दोस्ती का हलफ उठा चुके। इस बुनियाद पर तकरीरें होने लगी वहां पर मिंबरों पे कि यहूद से दोस्ती कर ले तो कोई हर्ज नहीं। यह वजह थी कि बहुत से अरब मुल्कों ने यहूद को तस्लीम कर लिया और कुरान बस पुश डाल दिया। अल्लाह वाजे तौर पर इस कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया उबा। ऐ ईमान वालों, यहूदो नसारा को कभी भी दोस्त न बनाओ, ये आपस में दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। तो जिन अरब मुल्कों ने यहूद से दोस्ती की, क्या उनको कुरान के लफ्जों का माना नहीं आता? यकीनन उनको आता है, उनकी जुबान में तो उतरा है। हमारी मादरी जुबान नहीं अरबी, उनकी तो मादरी जुबान है, मदर लैंग्वेज है, वो जानते हैं। तो फिर या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु में अपने आप को नहीं समझते कि खिताब ईमान वालों को है, हमें नहीं है। जब खिताब वाज़े है अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को, तो ईमान कुरान पर बंदे का पूरा ही तब होता है जब ये भी माने बाकी चीजों के साथ कि हमारे लिए रब ने हराम किया है यहूद और नसारा के साथ दोस्ती को। अब कितने ममालिक में यहूद का आना जाना बिल्कुल फ्री हो गया और पाकिस्तान का लिबरल टोला और नाम निहाद हुक्मरान उनकी राल भी टपक रही है कि अगर अरब मान गए हैं तो हमें क्या है, हम भी तस्लीम कर ले उनको। और फिर हम जैसे खतीबों को उलमा को कहते हैं तुम कोई बड़े आलिम हो, वो तो काबे में बैठे हैं, उनके कुरान तो वहां उतरा है। तो हम बबांगे दोहल कहते हैं कुरान वहां उतरा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो उतरा है वो यही है और इसके अंदर कतई तौर पर मौजूद है ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को कभी दोस्त मत बनाओ। अब ये उस दोस्ती का नतीजा है कि मस्जिद अक्सा में तरावी के दौरान मुसलमानों पे हमला हुआ। ये उस दोस्ती का नतीजा है कि एक एक दिन में 50-50 तैयारे उस यहूदी स्टेट के गजा पर परवाजें करके बमबारी करते रहे और इर्द गिर्द जो बैठे हुए मलंग हैं वो अपनी दोस्ती हनीमून मना रहे हैं और उन्हें खबर नहीं कि उन पर जिम्मेदारी क्या आयद हो रही है और अल्लाह ने किन लोगों की तहसीन की है कुरान मजीद बुरहान रशीद में कि जो डट जाएंगे यहूद के खिलाफ अपनी हुज्जत दलील और बुरहान की रोशनी में। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानदेही की है हदीस के अंदर।